अस्सलाम वालेकुम। आज आप इस वीडियो में देखेंगे नेक का न्यू डिज़ाइन। बनाना शुरू करते हैं ये इसकी कैटलॉग पर। इसका नेक सिंपल है, कुर्ते के नीचे बॉर्डर है, बारीक बारीक से इसका प्रिंट है। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह का नेक का डिज़ाइन अच्छा लगेगा। कमीज़ की सिंपल ऊपर से कटिंग कर ली है। ये जो है ना, ये इसकी फ्रंट साइड है। अब ये वाला मेरे पास ट्राउज़र का कपड़ा है, ये मेरे पास चेपी है। आप इसकी जगह पर बुकरम ले सकते हैं, 1 इंच ये खुली है। और ये जो इसकी लेंथ है, ये मैंने 18 से 19 इंच ली है। ये वाला इसके ट्राउज़र का कपड़ा है, इसके ऊपर कर लेना है चेपी को पेस्ट। आप चाहें तो दूसरी तरह नेक कट कर सकते हैं। गला दोनों साइडों से इक्वल होना चाहिए। साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेना है थोड़ा सा छोड़ते हुए। अब ये मेरे पास सेम कपड़ा है, अलग से 3 इंच खुला है, 3 इंच इसकी लेंथ है। और इस वाले की थोड़ी सी कम है उससे लेंथ और चौड़ाई। डबल स्मोसा लेस है ये, साथ साथ रखकर इसको स्टिच कर देना है बिल्कुल इक्वल। इस तरह से लेस खुद बनाकर आप कमीज़ के घेरे पर, स्लेट्स पर, ट्राउज़र के पांचे पर लगा सकते हैं। दोनों तरफ इक्वल डिज़ाइन लिया है मैंने, इस तरह के 3 पीसेस तैयार किए हैं। अब एक तो बिल्कुल इसके साथ रख कर स्टिच कर देना है, चेपी के साथ साथ सिलाई आनी चाहिए। मतलब कि एक साइड पर इस तरह के 2 पीस लगाने हैं और दूसरी साइड पर सिर्फ 1। अब नीचे से ये सिलाई बिल्कुल चेपी के साथ साथ आई है, चेपी के ऊपर नहीं आनी चाहिए ये सिलाई। अब ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। अब सिंपली इसको कमीज़ के साथ कर देना है अटैच। एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर से कट करके एक कट दरमियान में लगाया है सीधी साइड पर, इसे फोल्ड कर लेना है। हाँ जी, तो गला हो गया है तैयार। आयरन के साथ अंदर की तरफ फोल्ड करके निशान लगा लेना है इसको और सिंपली स्टिच कर देना है। एक साइड पर डबल डिज़ाइन है और दूसरी साइड पर सिंगल। अगर आपको दूसरी तरह नेक नहीं बनाना आता तो सिंपल सा ये नेक है, ईजीली आप खुद मेक कर सकते हैं। किनारे किनारे पर रखकर इसको मैंने स्टिच कर दिया है। अब